बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए चक्रवात मिचौं के गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के बाद आज इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचौं आज दोपहर के बाद कभी भी आंध्र प्रदेश के बापटला से टकरा सकता है। इस चक्रवात का असर पहले ही दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया है। खासकर तमिलनाडु और पुडुचेरी चक्रवात की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। यहाँ भारी बारिश के बाद अलग अलग कारणों से 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं काफी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। इस बीच आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अध्यक्ष तिरुपति के विधायक भूमना करुणाकर रेड्डी और नगर आयुक्त हरिता ने बारिश से प्रभावित जलभराव क्षेत्रों पुलावनी गुटा और गोलावनी गुटा क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में चक्रवात मिचौं के अक्सर से भीषण बारिश के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को खाने भी बांटा।